100 साल हो गए हैं इंडियन सिनेमा को, और मेरे साथ इस वक्त सैफ और कुणाल मौजूद हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं 100 साल सिनेमा के। जी आपके केक कटिंग से ही शुरू करते हैं। जी प्लीज, थैंक यू कुणाल, प्लीज जॉइन मी इन दिस। यार आई अलोन एम रिप्रेजेंटिंग द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री विद दिस अमेजिंग केक। देयर यू गो। या नाउ आई फीड यू बिकॉज़ आई एम ऑन अ डाइट। यस, यू वांट सम केक? कुणाल आल्सो। एंड थैंक यू। आज से करीबन 100 साल पहले पहली इंडियन सिनेमा बनी थी जो साइलेंट फिल्म थी। बहुत दिक्कतें आई थी वो बनाने में, और अब 100 साल बाद हम इतने आगे चले गए हैं कि अब हम एक जोम्बी कॉमेडी, वो भी इंडिया की पहली जोम्बी कॉमेडी, आप ही लोग लेकर आए हो। ये पीछे मुड़कर जब आप देखते हो कैसा लगता है, राजा हरिश्चंद्र से लेकर गो गोवा गॉन तक का सफर? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हम्बल्ड फील करता हूँ। लेकिन हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई और एक कॉमेडी बनाई, मुझे नहीं लगता हमें 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा से हमारी अचीवमेंट्स कहाँ फिट आती हैं इसमें हमें पता नहीं। इतने और सीनियर्स लोग हैं जिन्होंने बहुत यू नो अमेजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं सिनेमा को। कुणाल, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दादा साहेब फाल्के का, जिन्होंने ये फिल्म बना के शुरुआत की थी, और आज हम 100 साल मना रहे हैं और हम सबको मौका दिया खूबसूरत फिल्में देखने का, और अब उनका हिस्सा होने का और बनाने का। क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार की ओर से, किस तरह से आपने फिल्म इंडस्ट्री में चेंज देखा है, और इंडियन लोगों का, हमारी जो ऑडियंस है उनका या इंटरनेशनल ऑडियंस का इंडियन सिनेमा की ओर देखने का? चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आई हैं। एक वक्त था जब स्क्रिप्ट नहीं थी, अब मिलती हैं। ये कहने में भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक फिल्में ऐसी बनती थी। कुछ चेंजेस देख पा रहे हैं आप पिछले 100 सालों में हमें आए इंडियन सिनेमा की, साथ साथ पूरी इंडिया बदली हुई है? बिल्कुल, आई थिंक सिनेमा इवॉल्व किया है बहुत सारा। मैं एक समय पर सिर्फ ड्रामा या एक्शन कॉमेडीज नहीं बनती थी, सिर्फ कुछ कॉमेडियंस थे जो हर एक फिल्म में होते थे। लेकिन अब अलग अलग जॉनरों पे फिल्म बन रही हैं, बहुत यंग लोग आके फिल्म में काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि एक समय पे इसे बुरा माना जाता था कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम कर रहा है तो लोग नहीं चाहते थे कि उनके बेटा या बेटी फिल्मों में काम करें। लेकिन आज वो बदल गया है, एक बहुत ही रेप्यूटेबल प्रोफेशन है और एक बहुत ही बड़ा बिजनेस भी है। कुछ खास आपकी पसंदीदा फिल्में हैं जो 100 सिनेमा में से कोई एक दो आप चुन सकते हैं, उनके उनके बारे में कह सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट फिल्म थी हमारी इंडियन सिनेमा? I mean again, yeah, I think Pakiza film, there's so many. I think every generation has had some many. तो एक दो बोलना मुश्किल हो जाएगा। I mean from anything, शोले obviously, Pakiza, Madhumati, you know, Mughal Azam, but there's so many. जबकि ये सारे गिना रहे आप पूरी लिस्ट, तब और 100 साल के आपने अभी जैसे आपने केक काटा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कहीं शोल्डर पे, आप एक्टर प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में है, तो आगे की कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन इसी तरह का रहे, लोग इसी तरीके से आपकी फिल्मों को याद करें। आई डोंट नो, हम एक छोटी सी कोने में खुश हैं, हम यू नो इट्स अ वेरी हम्बल थिंग। थोड़ी सी अगर एंटरटेनमेंट दे सकते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू।